हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अभी आपने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे होंगे जहां पे आए दिन जो है गाड़ी एक से बढ़कर एक अच्छी से अच्छी गाड़ी जो है अपने आप जो है जल करके ख़त्म हो जा रही है, पूरी तरीके से जल जा रही है। जलने का जो केस है बहुत बार आपने सुना होगा इंडिया में, आए दिन अक्सर चाहे वो नई गाड़ी हो चाहे वो पुरानी गाड़ी हो, तो कुछ जो जलने का जो केस है अगर आप उसके डीपली में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा आपकी वजह से हुआ है। तो ऐसा कैसे होता है, क्या आप भी ये गलती करें? अगर आप भी ये सारा गलती कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी भी गाड़ी में भी आग लग सकती है। तो आज बेसिकली यही सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि कैसे एक नई गाड़ी, इवन नई गाड़ी में भी आग लग जा रही है। चूँकि अभी समर का मौसम चल रहा है, हीट का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से प्लस हो चुका है इंडिया में, तो ऐसे में आम बात हो गया है बहुत ज़्यादा गर्मी। बट ऐसे में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जैसे कि आपकी भी गाड़ी में आग ना लगे, तो सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो कैटेगरी की गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। एक जो है पुरानी, कह सकते हैं 5 साल 7 साल 8 साल, उसमें जो है आग लग जाती है, और एक जो है ब्रांड न्यू गाड़ी है उसमें कैसे आग लग जाती है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि पुरानी गाड़ी में आपको क्या चीज़ के बारे में ध्यान देना जरूरी है। पुरानी गाड़ी में बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। सपोज जब कभी भी आप कोई भी पुरानी गाड़ी लेके कहीं पे भी हाईवे वगैरह में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो मेक श्योर कि उसके एक बार इंजन का जो बोनेट है वो ओपन करके ज़रूर देख लें कि सफिशेंट अमाउंट पे कूलेंट है या नहीं है। कूलेंट एकमात्र होता है जो इंजन को ठंडे रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप कहीं लॉन्ग ड्यूरेशन पे जा रहे हैं तो कूलेंट ज़रूर उसको टॉपअप करवा लीजिए अगर कम हो जाए। कोशिश करें कि उसको अच्छे से फ्लश करके नया कूलेंट डालें बढ़िया से। कूलेंट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 200-250-300 रुपये के आसपास में आ जाती है, और उसका पूरा साफ उप करके 500 रुपये आपको खर्चा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बट वो इंजन के लिए एक नई जान हो जाती है, एकदम वो समझ लीजिए इंजन को ठंडा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इंजन अगर ठंडा नहीं होगा तो ओवर हीट होगा, और ओवर हीट होगा तो उसकी बहुत सारे गैस्केट वगैरह वो कटने के चांसेस बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान कर सकता है। तो ये ज़रूर से ध्यान दें जब कभी भी पुरानी गाड़ी ले जा रहे हैं। सेकेंड, टाइम पे आपको इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इंजन ऑयल चेंज करने से मात्र इंजन को जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। समय पे इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई। अब देखिए, होता क्या है ना कि जब कभी भी पुरानी गाड़ी ले जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कोई बल्ब वगैरह नहीं जलता है, कुछ मतलब हॉर्न वगैरह का प्लेसमेंट सही से नहीं होता, हॉर्न वगैरह बजता नहीं है, तो बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा लाइट वगैरह, फॉग लाइट जैसे आफ्टर मार्केट कुछ भी काम करवाते हैं। तो उसमें होता क्या है ना कि कई बार वायरिंग को थोड़ा सा कट करके वहाँ से तार जोड़ करके टेम्पोरी काम कर देते हैं। बहुत सारे जुगाड़ू मिस्त्री का कमी नहीं है इंडिया में, तो ऐसे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा काम सस्ता में हो जाए। तो ये होता क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि कोई, बहुत सारे लोग जो है कपलर टू कपलर ज्वाइन करते हैं, कोई वायरिंग से कट नहीं होता है, ये आप कहीं पे भी जाएंगे वो भी करता है। बट कई बार ऐसा होता है जो छोटे दुकानदार है, छोटे जगह पे आप जाएंगे तो वो लोग वायरिंग को कट कर देते हैं, ठीक है, और वायरिंग कट करने के बाद अगर वहां से ज्वाइन करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि कई बार स्पार्क होता है, स्पार्क होने के बाद आपको पता नहीं चल रहा है इंजन के अंदर में स्पार्क हो रहा है हीटिंग के कारण में, जहाँ पे लूज कनेक्शन होगा ना वहाँ पे हीट जनरेशन हो जाएगा। तो हीटिंग के कारण धीरे 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 वहाँ पे क्या होगा, स्पार्क होना स्टार्ट हो जाएगा, और स्पार्क होते होते वो फायर के रूप में ले लेता है। तो उस केस में भी बहुत सारी गाड़ियाँ जल चुकी है इंडिया में, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप तो सोचेंगे मेरा इंश्योरेंस है भाई, मैं क्लेम करके ले लूँगा। उस केस में अगर कोई भी एसेसरीज आपने लगाया है ना और उससे कोई स्पार्क वगैरह होके आपकी गाड़ी में आग लगा तो आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे वहम में बिल्कुल ना रहें, आफ्टर सेल से, आफ्टर मार्केट से कुछ भी ऐसा सामान लगाएं तो उससे जो भी नुकसान होगा वो आपको ही बेयर करना होगा। इवन पूरी गाड़ी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपको 1 रुपया इंश्योरेंस का नहीं मिलने वाला है। मेक श्योर कोई भी वैसा आफ्टर मार्केट पार्ट्स वगैरह ना लगाएं, कोशिश करें कपलर टू कपलर लगाएं जिससे आपको नुकसान ना हो, ठीक है। थर्ड क्या होता है ना कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुरानी गाड़ी में हम लोग अक्सर छोटे छोटे चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इग्नोर से मेरा मतलब है कि बहुत सारे चीज़ों में, जैसे सपोज टायर वगैरह हो गया, ठीक है, टायर वगैरह एकदम प्लेन हो गया, ठीक है, और उसको हम हाईवे में लेके जा रहे हैं और 300-500 किलोमीटर खींच रहे हैं, वो वहाँ पे हीट ज़्यादा होगा, वो टायर बर्दाश्त नहीं करेगा, टायर बर्दाश्त नहीं करेगा तो टायर ब्लास्ट हो जाएगा, इवन ब्लास्ट होगा तो वो भी एक मेजर एक्सीडेंट का रूप ले सकता है। तो ऐसे सिचुएशन से भी बचे, अवॉइड करें ऐसे जर्नी को। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, पुरानी टायर है, तो इससे बचे, कोशिश करें टाइम टू टाइम उसको नया ले लें, अदरवाइज आप लॉन्ग ड्राइव पर बिल्कुल भी ना जाएं। चलिए, ये सारा चीज़ तो था पुरानी गाड़ी से। अब नई गाड़ी में क्या है भाई, मैंने तो अभी गाड़ी लिया 1.5-2 महीना 3 महीना हो रहा और 3 महीना में ऐसा हो गया, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ही बिल्कुल आपकी वजह से होता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे गाड़ी है, अब बाहर का टेम्परेचर तो आपको पता है, लगभग 48, 50, 49,
47 ऐसा डिग्री है सब जगह में, इतना हाई टेम्परेचर है। अब वैसे में ये तो बाहर का टेम्परेचर, क्या आपको पता है कि गाड़ी के अंदर क्या टेम्परेचर होता होगा? आपको पता है, जैसे ये तो बाहर का खुला में है तो हम लोग इतना गर्मी लग रहा, और अगर अंदर के जाएंगे तो अंदर में कितना ज़्यादा हीट हो सकता है ये आपको नहीं अंदाजा होगा। जब आपकी चारों विंडो अप होगी, चारों विंडो क्लोज होगी, उस केस में जो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर है ना, इवन 70 डिग्री तक चल जाता है, 70 डिग्री, 75 डिग्री, इवन बहुत ज़्यादा कई बार 80 डिग्री तक चल जाएगा। वो कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कभी भी आप धूप में गाड़ी खड़ा करके देखना, जैसे गेट खोल के अंदर जाएंगे ना, फक से बहुत ज़्यादा ह्यूज टेम्परेचर आपको लगेगा, तुरंत आप तुरंत गाड़ी से बाहर निकलेगा, इतना गाड़ी गर्म है, जल्दी ठंडा करो, एसी चालू करो, ये करो वो करो। क्यों? बाहर का भी तो वही टेम्परेचर है, बाहर में आप कैसे सर्वाइव किए, बाहर से अंदर आए तो इतना ज़्यादा हीट कैसे लग गया, जबकि गाड़ी के अंदर तो छत भी है। तो देखिए वो पैक है पूरा चारों तरफ से, कार चारों तरफ से शीशा से पैक है, उस केस में जैसे ही एंटर होंगे तो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, क्योंकि गैस निकलने का रास्ता नहीं है। तो ऐसे में आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब उसमें नुकसान क्या था मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप लोग क्या गलती करते हैं कि जो भी गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के अंदर में सपोज कोई भी डोर, तो गाइस गाड़ी में अक्सर हम लोग ये पानी के बोतल तो ज़रूर देखे होंगे, ये पानी का बोतल हम लोग ज़रूर रखते हैं। अब उसमें देखिए ये पानी होता है, ठीक है, अब पानी क्या करते हैं हम लोग सीट के ऊपर कहीं पर भी रख के छोड़ देते हैं गाड़ी पार करके। अब होता क्या है ना कि डायरेक्ट धूप लग रही है और डायरेक्ट धूप इसमें लग रही है। अब इसके अंदर जो है सूरज के जो किरणें होते हैं वो इसके अंदर से जाती है और ये पानी से निकलती है। आप देखेंगे यहाँ से, देखिए ऐसे नीचे रखिएगा ना, और यहाँ से लाइट आएगा तो आपके हाथ में लाइट आएगा, ठीक है, ये पानी। अब ये बॉटल जो बन जाता है मैग्नीफाई ग्लास, अब ये मैग्नीफाई ग्लास क्या करता है, बाहर का जितना भी धूप वगैरह उसको होता है वो एक पॉइंट में प्रोजेक्ट करता है। देखे होंगे कि कहीं से आग भी लग सकता है, अगर मैग्नीफाई ग्लास के नीचे कागज वगैरह कुछ रखेंगे थोड़ी देर तक ऐसे करके, तो देखना आग लग जाती है। बट सेम वही काम हो जाता है ये बोतल आपका। अब आप उतनी हाई टेम्परेचर में गाड़ी के अंदर ये पानी का बोतल तो जरूर रख देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस जो धूप है इसके अंदर से पास होता है, अब जो नीचे इसका जो भी रहेगा उसको बर्न करना स्टार्ट कर देता है। अब नीचे इसके अंदर चाहे आप सीट के ऊपर रख दिए तो वो फैब्रिक है, वो भी तो मटेरियल जलने वाला चीज़ है, कहीं पे भी रख देंगे तो उस केस में क्या होता है कि धीरे 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 सीट को जलाना स्टार्ट करता है, जलते 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 वो फायर के रूप में ले लेता है और ह्यूज गाड़ी में आग लग जाता है। तो ये मेजर कारण है, आए दिन इंडिया में जितनी भी आप नई गाड़ी देखेंगे ना, उसमें से 80% जो कारण है वो इसी बोतल के वजह से हुआ है। तो अवॉइड करें, कभी भी गाड़ी पार्क करें तो कोशिश करें ऐसे बोतल कभी भी न कैरी करें। अगर आप कैरी कर भी रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से ऐसे में रखें जहां पे धूप डायरेक्ट इस बोतल पे ना पड़े। कोशिश करें आप डिक्की वगैरह में रख लें, अवॉइड करें जितना हो सके ऐसे बोतल को। ये सबसे ज्यादा कोशिश करें घर वाले जो बढ़िया बोतल है स्टील वाला उसको कैरी करें, तो उससे आपको पानी ठंडा भी रहेगा और दूसरी बात है कि आपको आग लगने का खतरा भी नहीं होगा। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कहीं शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे परफ्यूम वगैरह कैरी कर लेते हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सपोज कार फ्रेशनर वगैरह कैरी करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। तो दोस्तों जैसे कि ये देखिए ये कार परफ्यूम है, ठीक है, अभी बहुत बार लोग क्या करते हैं, ये तो लिक्विड फॉर्म में, बहुत सारे परफ्यूम आपको गैस में मिलेंगे, बहुत सारे आपको जेली लाइक मिलेंगे। तो होता क्या है ना कि सबके पीछे अगर बॉटल के पीछे में आप उसके अच्छे से पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा होगा स्टोर इन कोल्ड टेम्परेचर। क्यों लिख के देता है स्टोर इन कोल्ड टेम्परेचर? इवन बहुत जगह तो लिख देता है कि स्टोर इन कोल्ड टेम्परेचर अंडर 52 डिग्री, और उसमें लिख देता है कि डू नॉट क्लोज दिस प्रोडक्ट टू अबव 52 डिग्री, मीन्स जहाँ पे 50-52 डिग्री से ज़्यादा गर्मी हो रहा है वहाँ पे ये प्रोडक्ट को डायरेक्ट ना रखे, और इसमें लिख देता है डायरेक्ट सूरज की रोशनी के नीचे भी नहीं रखे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट में वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, आए दिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो उसमें से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि हम लोग कहीं पे भी पार्टी में गए, सपोज कोई भी पार्टी वगैरह में गए तो हम लोग परफ्यूम आजकल कॉमन हो गया, ठीक है, परफ्यूम तो लगाना ही भाई पार्टी में जा रहे हैं, तो परफ्यूम तो लगाना सही है, बट परफ्यूम को कैरी करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, बट हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। अब फॉलो नहीं करते तो उसमें नुकसान क्या होता है ना कि अगर आप बॉटल को घुमा के देखेंगे अच्छे से तो वहाँ पे लिखा होगा स्टोर इन कूल टेम्परेचर, थोड़ा सा बड़ा करके और ब्रैकेट में लिया जाता है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब होता क्या कि गाड़ी के अंदर तो टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 75 डिग्री 80 डिग्री तक पहुंच जाता है क्योंकि गाड़ी क्लोज डायरेक्ट धूप में रख दी। अब अंदर में जब इतना टेम्परेचर में पहुंच जाता है तब उसमें क्या होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, वो फट जाती है। इवन बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है जिसमें गाड़ी जल चुके पूरी राख हो गई है और सिर्फ परफ्यूम के बॉटल के वजह से हुआ है। तो ये हाईली इनफ्लेमेबल रहता है, आप देखेंगे परफ्यूम स्प्रे मारी या थोड़ा सा यहाँ पे लाइटर वगैरह कुछ किया, देखिए भाग से पूरा आग पकड़ लेगा बॉटल के अंदर में। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, इससे बचे। और ऐसी कोई भी कार में जो भी हम लोग परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं, कार परफ्यूम भी सेम एक तरह का इन्फ्लेमेबल लिक्विड ही होता है, इन्फ्लेमेबल गैस भी होता है, तो सेम जिस तरह से बॉडी स्प्रे होता है उस तरह से कार परफ्यूम होता है। तो ये सारा चीज़ अवॉइड करें, अक्सर लोग डैशबोर्ड में रख के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, ये गलती आप कभी भी ना करें।
कभी भी समर में गाड़ी निकाल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि कौन कौन पॉकेट में क्या क्या, इवन बहुत सारे लोग कपूर रख देते हैं, नेप्थलीन बॉल रख देते हैं, बहुत सारी चीज़ रख देते हैं कि चूहा हुआ से बचने के लिए। उस केस में भी क्या होता है कि आप तो गाड़ी में रख के भूल गए, चल गए, गाड़ी के अंदर तो है, वो ओवरहीट होते 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 वो आग पकड़ लेगी। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है गाड़ी में आग पकड़ने के लिए। तो दोस्तों कभी भी गाड़ी निकाले ना तो सबसे पहले एक बार गाड़ी को अच्छे से चेक कर लीजिएगा आपकी, इवन एक एक जगह में एक एक कॉर्नर में क्या क्या सामान रखी है, और ये सारा चीज़ तो अवॉइड करें। परफ्यूम हो गया, लिक्विड में कोई भी चीज़ हो गया, वाटर बॉटल हो गया, ये सारा चीज़ अवॉइड करें तब जाके। और कोशिश करें कि सबसे पहले छाया खोजिए जहाँ पे गाड़ी को पार्क करना है, वहाँ पे क्या होगा इवन 10-15 डिग्री आपका टेम्परेचर कूल डाउन रहेगा नॉर्मल में। अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ना केवल नुकसान होगा जलने का, आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ से देखिए ये भी तो ग्लास है, इसके अंदर से भी धूप जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो इसके अंदर जो भी सामने आ रहा है, डैशबोर्ड आ रहा है, आपके लेदर के सीट वगैरह, तो ये सारा चीज़ नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये सारा चीज़ों से बचने की कोशिश करें। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ सबसे ईजी सॉल्यूशन, अगर फिर भी ना हो, आपको पार्किंग के लिए फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है, आपको जगह नहीं मिल रहा है, आपको धूप में ही लगाना होगा, तो उस केस में आप क्या करें ना, ऐसे पर्दे का यूज़ करें। देखिए ये देखिए ये कर्टन है, ये विंडो कर्टन से मैं इसको ऑनलाइन परचेस किया। इसमें होता क्या ना कि आप सिंपल आप कोई भी डोर को ऐसे खोलेंगे, ठीक है, ये डोर को खोलें और इसको सिंपल से ऐसे मैग्नेटिक के थ्रू से यहाँ से ऐसे करके चिपका दीजिए। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अभी क्या होगा कि इसके अंदर से कोई भी धूप वगैरह नहीं जाएगा। अब जब धूप अगर अंदर नहीं जाएगी तो बहुत हद तक जो आपकी गाड़ी जो है वो कूल डाउन रहेगी, और इसमें आपको भी फायदा है, आपके जितने भी पार्ट्स है, डैशबोर्ड वगैरह, सीट वगैरह, सारा कुछ प्रोटेक्टेड रहेगा। एक तरफ से गाड़ी में आपको छाया प्रोड्यूस होगा, छाया रहेगी, तो उसमें क्या गया टेम्परेचर भी कूल डाउन रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसमें चैन वगैरह रहता है, आप कभी भी चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, इसमें कोई चलान वगैरह भी वैसा नहीं कटने वाला है। तो गाइस अगर इस प्रोडक्ट को आपको बाय करना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी कार है, जैसे कि मेरा डिज़ायर कार है, मैं वो उसका लिंक भी दे दूंगा और एक यूनिवर्सल भी दे दूंगा, ताकि अगर आपके पास कोई भी कार है तो लगभग आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्यूरीज हो तो मुझे सिंपल कमेंट भी करें, मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।